अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ उस्मान नदीम और जो मेरा थीसिस है एक्सपीरियंशियल थीसिस है, इसमें इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ है। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसका नाम है रियल इज़ रेयर। बेसिकली जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये नहीं करी, इंकरेज नहीं करी कि आप कराएं, मैं आपको डिस्करेज भी नहीं करी कि आप ना कराएं। ये सिर्फ ये है कि जो आप पैदा हुए हैं ना अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, जो आपने आज तक अपने आप को ओन किया है, दैट डिफाइंस यू, वो आप हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या फिर लोगों के फैशन ट्रेंड्स और इस पर अपने आप को चेंज करते रहेंगे तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप ओरिजिनल नहीं रहेंगे, अगर आप खुद को चेंज करते रहेंगे तो फिर आप सोसाइटी के एक पपेट हैं। तो जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है, इसमें एक ब्लैक साइड है, एक वाइट साइड है। जो ब्लैक साइड है हमारी सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें लोग आपके ऊपर कमेंट्स पास करेंगे, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस कम है, डार्क है, थोड़ी हॉरर है, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आपके सबकॉन्शियस में हॉरर्स एक्ट करते हैं। फिर बीच में इल्यूजन वॉल है, तीन दरवाज़ों की असल एक दरवाज़ा है। अगर आपने सोसाइटी से निकल के अपने मेंटल पीस की तरफ आना है ना, तो कोई आपको लेके नहीं आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी योर एफर्ट, आपने खुद आना है। तो जब आप ब्लैक से यहाँ पर आते हैं दरवाज़ा ढूंढ के, तो आपको एक सडन चेंज फील होता है, ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा है, वाइट है, थोड़ी ब्राइट है। तो फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ है जो वहाँ फ्लॉ लिख के आए होते हैं पेपर पे, यहाँ आके आपने डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो तो सोसाइटी कहती है ना, असल में तो वो आप हैं। तो सारा एक्सपीरियंस ये है कि आप जो है ना, आप बी ओरिजिनल, बी यू, क्योंकि असल खूबसूरती से।